कोला की बात करेंगे, अपने खेत से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने वाले किसान को अपने ही पैसों के लिए सरकारी दफ्तरों की चौखट के लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसी साल भारी बारिश के चलते खेती को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी सरकार नहीं जागी। ठाकरे समूह का अकोला जिला अध्यक्ष गोपाल दातकर ने जिला कार्यालय पहुंचकर के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने फसल बीमा, भारी बारिश, अनियमित बिजली आपूर्ति से जुड़ी तमाम मांगे रखी है। अनशन के दौरान सरकार के ध्यान नहीं देने पर बीमा कंपनी कार्यालय और कृषि कार्यालय में तोड़फोड़ करने की भी चेतावनी दी गई। उसी चेतावनी के तहत आज HDFC फसल बीमा कंपनी के कार्यालय में स्थित शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की है और इसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से कृषि कार्यालय में भारी पुलिस बल तैनात रहा। गेल्या 3 दिवसापासून आमचे जिल्हा प्रमुख माननीय गोपाळदादा दातकर हे जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे, पीक विमा मिळाला पाहिजे, दिवाळी सरकार सण तोंडावर आला तरी कोणत्याही प्रशासनाने आमच्या उपोषणाची दखल घेतली नाही। आता कालच गोपाळ गुरुजी सांगितलं होतं, तुम्ही जर आमच्याकडे लक्ष दिलं नाही तर आम्ही इथे आज ऑफिसचं कार्यालयाचा तोडफोड करू, आणि ते आम्ही आज तोडफोडायला सुरुवात केलेली आहे। आम्हाला जर लवकरात लवकर शेतकऱ्याला न्याय मिळाला नाही तर इथे पेक्षा तीव्र आंदोलन आम्ही